क्या सर, वाह वाह सर, अभी तो और अच्छा लगा ये वाला फ्रंट उधर वाला कैमरा में, ना ना हरा बहुत अच्छा लग रहा है, वाह कौन सा दुनिया में आ गया जैसे लग रहा है यहाँ से तो। हाँ बहुत अच्छा सर, मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का एक और नया ब्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ, अभी कंटिन्यू बना रहा हूँ। आज ये शायद 9वां या 10वां नंबर ब्लॉग होगा जो डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बनाते रहूँगा कंटिन्यू। बस आप लोग का सपोर्ट का दरकार है, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बस सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक केयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आगे, आज मैं बहुत ही अच्छा जगह में जा रहा हूँ तो आप लोगों को मैं मिलाऊंगा, अपना काम करते हुए जाऊंगा उधर में, ठीक है? तो मिलते हैं आगे वीडियो। तब तो देखिएगा, ये तो सब्सक्राइबर भी नहीं देखेगा। दोस्तों ये है आपका खुनिया मोड़ NH31 से, जो हम लोग अभी जाएंगे राइट के तरफ। अब राइट तरफ घुस रहे हैं तो जो भी लोकल के आदमी है उनको मालूम चल गया होगा कि कौन सा जगह जा रहे हैं हम लोग। अरे दोस्तों ये रास्ता है हम लोग जा रहे हैं, अभी झालोंग बिंदु जल्ला का सभी चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम लोग कहाँ पहुँचते हैं आप लोग को थंबनेल में पता चल जाएगा कि कहाँ गए थे हम लोग, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं आगे वीडियो में। आपका रबड़ का खेती किया हुआ है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नक्सल। ये नक्सल का चेक पोस्ट है, ये देखिए दोस्तों व्यू। मजा है बिनु सर, पानी ठंडा है? ये क्या ब्रिज है सर? तो नक्सल ब्रिज ना। ऐसे अभी हम लोग पहुंचे हैं आपका नक्सल का ब्रिज के सामने। इसी रास्ते होते हुए सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे अभी गहरी बस, उसके बाद में डिसाइड करेंगे किधर जाना है। तो मिलते हैं आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जंगल में आने से ये मजा मिलता, भाग गया क्या है? हरिन था ना सर? ओजो जो 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 दौड़ रहा है ना, ओजे जे देखा 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 दोस्तों, देखा दौड़ रहा है, वाह इससे मजा है जंगल का। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग गहरी बस और यहाँ पर अभी अभी हरिन देखा जो रबर प्लांट में मिला। और यहाँ पर ऐसे नेचुरल मिलते रहता है दोस्तों, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने के लिए। तो मिलते हैं और आगे। दोस्तों देखो गहरी बस ढाबा लिखा हुआ है और हम लोग अभी गहरी बस एंट्रेंस कर रहे हैं। ये वाला किधर जाएगा सर? ये रंगो दलगांव, रंगो दलगांव जाएगा आपका लेफ्ट साइड से, झालोंग बिंदु पेरंग राइट से जाएगा झालोंग बिंदु पेरंग तंका। अच्छा
अच्छा गाइस, अभी हम लोग उतर चुके हैं, थोड़ा सा रुके हैं गैरीबास व्यू पॉइंट में। अभी आप लोग को व्यू दिखाऊंगा, बहुत शानदार है यहाँ का व्यू, देख के तो लग रहा है जन्नत जैसे लग रहा है सर। आइए विनोद सर, देखिए दोस्तों व्यू पॉइंट, ये जन्नत से कम नहीं है। झलंग बाजार ना, वाह आंखों को ठंडक पहुंचता है सर देखने से ना। तो दोस्तों अभी हम लोग रिटर्न हो गए वहां से, और अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह। ये व्यू, अभी हम लोग तो कश्मीर गए नहीं है कभी, लेकिन ये हम लोग को लगता है कश्मीर से कम भी नहीं है, इतना शानदार व्यू पॉइंट है ये। ये आपका गैरीबास से ऊपर थोड़ा सा आने से 53 बोल के जगह है, ये 52-53 कैसा कैसा जगह का नाम है, ठीक है। मौसम का हाल बिगड़ चुका है दोस्तों, लेकिन इतना शानदार व्यू यहाँ से, ये देखिए जलदाकर नदी यहाँ से दिख पा रहा है, और नागरकटा भी हम लोग को तो खुले आंखों से दिख रहा है। तो अभी हम लोग दरगाह पहुँच चुके हैं ना, इधर जाएंगे। अच्छा, दलगा होलसेल बोल के जगह है, वो जाना है, कोई व्यू पॉइंट है। अच्छा पास लगता है। ऑफ रोड में मिल चुका है, अभी पूरा ऑफ रोड है दोस्तों, लेकिन बस व्यू पॉइंट जाने का इच्छा है, तो ऑफ रोड जैसे जैसे भी हो जाएंगे जरूर। दिखाना है, देखना भी है, क्योंकि मेरा भी लाइफ में फर्स्ट टाइम है इस साइड में। वाह, ओ बाप रे भाई, लॉकडाउन था कोरोना, जब बाहर से जितना भी आदमी सब आ रहा था ना, उन लोग को क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं रखा था, क्वारंटाइन रखने के सेंटर बनाया गया था इसको, इस सबको यहाँ पे रखा गया था। तो क्या बोलता था, बोले तो रात को ना भूत सब पूरा आता था, बोले यहाँ पे अभी जैसे साउंड आ रहा, सुनिए ना, भूत आता था एकदम, आदमी सब दौड़ता है, पूरा चिल्लाता है, सुनता था बोले। हाँ, अब ये तो ऐसे है, डरावना जगह है, ठीक है। साउंड शायद बंद ही होगा सब, जैसे लग रहा है हमको तो बंद ही है अभी, नहीं है, नहीं चल रहा। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट में, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन कुछ अजीब भी लग रहा है। नहीं नहीं, जो है वही बोलूँगा साउंड से, कि रात का टाइम में जो साउंड होता है, चीज चीज बोला, आप लोग भी सुन रहे होंगे। सर वाह वाह सर, अभी तो और अच्छा लगा, ये वाला फ्रंट उधर वाला कैमरा में, ना ना हरा, ये बहुत अच्छा लग रहा है, वाह का कौन सा दुनिया में आ गया जैसे लग रहा है यहाँ से तो। बहुत अच्छा सर, डोकलाम कौन सा है, डोकलाम सही है, वही है। वाओ बोलेगा सही में, लेकिन ना सर कैमरा में जितना उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है, लेकिन बाप रे वाओ, क्या नजारा है, क्या नजारा है, लेकिन ये काला दिखाई पड़ रहा है, ये मौसम के कारण से हो रहा है सर, लेकिन जो नजारा है ना वाह। हम लोग फाइनली दलगो व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं। तो विनोद सर कैसा लग रहा है? मेरे लिए तो ये बड़ी नई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार मुझे। तो सुनिए सर,
आप बताइए आपको कैसा लगा सर ये दलगांव का व्यू पॉइंट सर? सर बहुत ही शानदार सर, मैं तो दिल से बोलूंगा वाओ। यस मेरा प्लानिंग था, कल ही सोचा था कि मैं जाऊंगा अगर मौसम सही रहेगा तो, मैं बहुत ही नज़ारा अच्छा है। तो सामने अगर देखा जाए तो शायद थोड़ा ही दूर में चाइना भी होगा सर। यस सर ना, चाइना बॉर्डर जी थोड़ा सा ही आगे में चाइना होगा। तो बहुत अच्छा लगा सर, ये सामने भूटान भी है। ओके सर बढ़िया है। तो अभी वहाँ से व्यू पॉइंट से तो निकल गया मैं हम लोग, और अभी क्योंकि वेदर भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अब सोचा यहाँ पर सामने ही विनोद सर का अपना घर है, ससुराल है, तो वहीं पर थोड़ा घुसे क्योंकि मिल के जाना पड़ेगा, और अभी घुसे हुए हैं और अभी थोड़ा सा उनका घर को घूमता हूँ इधर उधर, और उसके बाद में यहाँ से मौसम सही रहा तो निकलेंगे घर। ठीक देखिए पहले देखते हैं। अच्छा है तो सर टाड़े टाड़े क्या बोलते हैं इसको, खर टाड़े खर पक गया है कुसुम, पूरा पक गया है तो वाह। गाइस बारिश हो स्टार्ट ही हो चुकी है और यहाँ पर मेरा बाइक एवेंजर बाइक मेरा प्यारा बाइक भीग रहा है, और अभी तो ऐसा फील हो रहा है कि कैसे जाए घर, फंस ना जाए यहीं पर, नहीं तो इनका विनोद जी का ससुराल में ही रहना पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा बारिश जोरदार ही बारिश हो रही है। देखिए थोड़ा देर पहले इतना अच्छा व्यू पॉइंट दिख रहा था, अभी देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इतना जोरदार बारिश हो रहा है। गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो में आप लोगों को, कितना मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा व्यू दिखा पाया ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कमेंट करते नहीं है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कर कमेंट करिए कि कैसे कैसे मैं व्यू दिखाऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों को व्यू भी दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ दोस्तों मैं अपना फैमिली की ब्लॉग भी बनाता हूँ। तो अभी एक्चुअली मैं जलगांव में ही फंस चुका हूँ, मेरा दोस्त जिसके साथ में मैं आया था विनोद लमा उसका ससुराली है, वहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़ोरदार से बारिश आ रहा है दोस्तों, और इस बारिश में नहीं लग रहा पॉसिबल नहीं लग रहा है कि मैं घर जा पाऊँगा, और अगर घर नहीं जा पाता हूँ तो मैं अभी वीडियो के यहीं पर एंड करूँगा दोस्तों, और आप लोगों को वीडियो को जल्दी से जल्दी एडिटिंग करके आप लोगों को वीडियो पोस्ट करूँगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट का दुआ और सब चीज़ चाहिए दोस्तों, तभी जो मैं आगे भी बढ़ूँ और आप लोगों को भी अच्छा अच्छा व्यू दिखाऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो को एडिटिंग करता हूँ और आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, और हो सके अगर मैं जल्दी निकल पाया तो घर भी जाऊँगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं लग रहा कि घर जा पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों बाय।